नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कतर से रिलेटेड। भाई कतर आपको पता है गल्फ देशों की अगर बात करें, दुबई दुबई सऊदी कतर मस्कत बहरीन और कुवैत, छह कंट्री ऐसी हैं जिनकी पांच की फटी पड़ी है, सिर्फ कतर को छोड़ के पांच की फटी पड़ी है। समझ सकते हैं आप में इतने ज़्यादा स्टिक नियम, इतने ज़्यादा नाटकबाजी, इतनी ज़्यादा ये कर दें वो कर दें, फिर भी उनकी लांग नहीं टंग रही है। लांग समझते हैं राजस्थानी में क्या बोलते हैं, समझ गए ना, वो नहीं टंग रही है, क्योंकि उसने पूरे जतन करने के बावजूद भी उनके आंकड़े वही आ रहे हैं। 90% हमने वैक्सीनेशन कर दिया, ये कर दिया, आंकड़े वो को वही है उनके। और कतर एक ऐसा देश है कि कोरोना की भयंकर महामारी में भी कतर की फ्लाइटें चालू थी, कोई नियम नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल तरीके से जो नियम हैं उनकी फॉलो करने के बाद में लोग आराम से कतर जा रहे हैं। और कतर की स्थिति अच्छी है, कोरोना का भी इतना कुछ है नहीं वहाँ पर। कतर के बारे में हम बात करेंगे, फ्लाइट एयर इंडिया ने जो कुछ अपडेट जारी किए हैं उनसे रिलेटेड भी हम बात करेंगे, आपका क्वारंटाइन से रिलेटेड भी बात करेंगे, भाई फ्लाइट से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड पूरी हम डिटेल से बात करेंगे। कतर एक ऐसा देश है कि भाई इस महामारी में इंडियन लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है, जी हाँ। और अभी जो मेरे से लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके मैसेज आते रहते हैं, कतर में सबसे ज़्यादा मांग भी चल रही है वर्करों की, जी हाँ, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मांग है और लोग जा भी रहे हैं आराम से। हमारे शेखावाटी बेल्ट में बहुत सारी दुनिया कतर जा रही है, कोई चक्कर नहीं, सीधा जाओ फ्लाइट लेके आराम से बंदा पहुँच जाता है। और ये जो पाँच देश है ना, जितने ज़्यादा मर्जी नियम बना लिए लेकिन उनके कोरोना वैसे ही आ रहे हैं जैसे चल रहे हैं। तो कतर से डिटेल से जानिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। कतर की अगर फ्लाइट की बात करें तो भाई एयर इंडिया एक्सप्रेस जो इंडिया की जो फ्लाइटें हैं उन्होंने एक नई एडवाइजरी जारी की है, उसमें कुछ बातें उन्होंने बताई है कि कोविड टेस्ट रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, ये तो सबको पता ही है यार, होनी चाहिए, इसके बिना तो आप जा ही नहीं सकते। ICMR रजिस्टर्ड, पहले तो कोविड टेस्ट की रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं थी, ये देखिए कतर लोग ऐसे ही जा रहे थे क्योंकि कोरोना क्वारंटाइन वहां पे अनिवार्य था। ICMR रजिस्टर्ड 48 आवर्स का आपके पास होना चाहिए, 48 आवर्स का ICMR रजिस्टर्ड आपके पास कोविड टेस्ट होना वाला होना ज़रूरी है। बारकोड वाला ले लो अच्छा रहेगा आपके लिए, बारकोड आता है ना जो कोविड रिपोर्ट के ऊपर, जो गूगल पे पेटीएम के ऊपर बारकोड होता है सेम वैसा ही उसके ऊपर होता है। आपके पास 10 दिन की होटल बुकिंग होनी ज़रूरी है क्योंकि आपको 10 दिन वहाँ पे क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, इसलिए आपके पास होटल बुकिंग 10 दिन की होनी ज़रूरी है। और होटल बुकिंग बता दूं, डिस्कवर कतर वहाँ पे एक वेबसाइट है, आप अगर ऑनलाइन देखोगे डिस्कवर कतर एक वेबसाइट है, उसी से आप होटल की बुकिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप मनमर्जी से कर लोगे, उसी होटल बुकिंग आपके पास होना चाहिए। आपके मोबाइल में एक ऐप है, ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए, जी हाँ। और ये जो 10 दिन होटल बुकिंग, कोरोना रिपोर्ट, इनकी आपके पास फ़ोटो कॉपी भी पास में होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपसे मांगी जाएगी, जी हाँ। और टीका जो कोविड सर्टिफिकेट है उसका टीका है तो अच्छी बात है, अगर टीका नहीं लगवा के जा रहे हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ पे क्वारंटाइन तो रहना ही पड़ेगा, जी हाँ। अब वैक्सीनेशन की इतनी ज़रूरत कतर, आप लगवा के जाओ आपके लिए अच्छा रहेगा भाई, आपको क्योंकि आपके पास वीज़ा है तो आपको इंडिया में आराम से 28 दिन में टीका मिल जाएगा कोविशील्ड का। तो आपको ज़रूरी नहीं होता कि ये मजबूरी होती है, आदमी को एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं मिलेगी इसलिए आपको टीका लगवाना है, कि सुरक्षा है भाई, कल को आपके कोरोना हो भी गया ना तो आप उस स्टेज पे नहीं जाओगे जो आपका घर बर्बाद होगा और आपकी मौत हो जाएगी, वहाँ तक नहीं पहुँचोगे, ये गारंटी है। क्योंकि फेफड़े इंजेक्शन लगने के बाद में कोरोना डायरेक्ट फेफड़े पर असर है वो नहीं कर पाता है, आदमी बच जाता है, नॉर्मल ट्रीटमेंट 5-7 दिन में बंदा रिकवर हो जाता है, ये समझ सकते हैं। कोवैक्सीन लें, और जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है और कोवैक्सीन लगी है उनको तो कोरोना लग भी हो भी गया ना तो पता ही नहीं लगेगा, निकल जाएगा, उनको तो महसूस ही नहीं होगा, तो कोवैक्सीन ये जो लगा लें कोविशील्ड। वीज़ा की बात करें तो भाई कतर के देखिए वीज़ा, विजिट वीज़ा में लोग अभी जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा विजिट टू एम्प्लॉयमेंट ही वहाँ पे चल रहा है, लोग वहाँ, आपको पता है कतर का ये ऑप्शन भी है, जाते ही वहाँ वीज़ा लग जाता है। और वीज़ा अभी बंद नहीं है, काफ़ी लोग बोलते हैं सर वीज़ा बंद, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, वीज़ा चालू हैं, फ्लाइटें चालू हैं, वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, 10 दिन क्वारंटाइन रहना है, PCR रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, 48 घंटे वैलिड होनी चाहिए, बस सिंपल सा सिस्टम है, आप कतर जा सकते हैं। आप कतर से आगे किसी देश में मूव होना है तो वैसे भी आप जा सकते हैं। तो समझ गए होंगे मेरी बात को, शॉर्ट तरीके से मैंने कतर के बारे में बताया, कतर बहुत अच्छी कंट्री इंडिया के लिए, तो उसका कतर का भला हो भाई कि इंडियन लोगों के इतनी कोरोना महामारी में भी वैसे ही लोग जा रहे हैं, कोई उनके ऊपर रोक टोक नहीं है। बस ये अपडेट देनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।